जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं बलवंत भंडारी गुरु एंड देव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सभी शिक्षक साथियों, मैं आपसे आज एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जानकारी के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। ये प्रश्न पत्र हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 12वीं तक पढ़ते हैं उनको जानकारी उपलब्ध कराएगा और जानकारी के आधार पर ही हम इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि इस संक्रमण का वर्तमान में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है और बचाव ही इसका इलाज है। मैं सभी साथियों से, आज किसी भी साथी से मैं ये नहीं चाहता हूं कि वे वीडियो को लाइक करें। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप अपने जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी प्रश्न पत्र के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंच सके और सभी छात्र इसका जानकारी को जानकर इस विश्व महामारी के संक्रमण को रोकने में पूरी चेन बनकर इस चेन को तोड़ने में मदद करें। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि मैंने वो प्रश्न पत्र किस तरह से बनाया है और उस प्रश्न पत्र को बच्चे किस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। लाइफ सेविंग एग्जाम 2020 फ्रॉम कोरोना वायरस, सब्जेक्ट कोरोना वायरस, विषय कोड COVID-19, प्रश्न पत्र का विषय है कोरोना वायरस। टोटल क्वेश्चन है इसमें 20, टाइम आपके ऊपर निर्भर करता है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 हैं और पासिंग मार्क्स भी आपको 20 लाना है। निर्देश सुन लीजिए सभी आप। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य बताइए और सभी प्रश्नों में 1 से 4 में 5 उप प्रश्न दिए गए हैं जिनके एक एक अंक निर्धारित है। इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। हंड्रेड% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। प्रश्न क्रमांक 1, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अ, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। 4 ऑप्शन है। संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने व खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर, नंबर 3 संक्रमित जगह से संपर्क में आने पर, नंबर 4 उपरोक्त सभी। ब, कोरोना वायरस है। नंबर 1 संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, नंबर 3 अनुवांशिक रोग, नंबर 4 तीनों नहीं। प्रश्न स, अनिवार्य स्थिति में बाहर जाते समय मुंह पर लगाएं। नंबर 1 क्रीम, नंबर 2 पाउडर, नंबर 3 मास्क या कपड़ा, नंबर 4 कुछ भी नहीं। द, कोरोना वायरस संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है पुरुषों को, नंबर 2 महिलाओं को, नंबर 3 दोनों को बराबर, नंबर 4 किसी को नहीं। ई, अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है। पहला 104, दूसरा 3x0, तीसरा 5x0 और चौथा 10x0। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संक्रमित संदिग्ध व्यक्ति से लगभग खाली स्थान मीटर दूर रहना चाहिए। ब, कम से कम खाली स्थान सेकंड तक हाथों को धोना चाहिए। स, प्रयुक्त सैनिटाइजर में खाली स्थान प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए, यानी कितना प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए बताना है आपको। और इंटीमेशन पीरियड लगभग खाली स्थान दिन का होता है। और ई, 22 मार्च को देश में खालिस्तान लागू था। नीचे ऑप्शन दिए हैं 70%, 2 से 14 दिन, 20, 1 से 2 और जनता कर्फ्यू। इनमें से चयन करके आपको इस प्रश्न का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाना है। स्तंभ अ में है कोरोना स्टेज 1, कोरोना स्टेज 2, कोरोना स्टेज 3, वुहान शहर और जूनोटिक बीमारी। स्तंभ ब में है महामारी रोग कानून 1897, आईपीसी धारा 188, विदेश से आने वाले को संक्रमण, चीन, संक्रमण का सोर्स, स्त्रोत या वाहक अज्ञात है, विदेश से आने वाले से संक्रमण और जानवरों से मनुष्य को होने वाली संक्रामक बीमारियां। इनमें से आपको सही जोड़ी बनाना है और मैच करना है। ध्यान रहे, आप बाहर जाते समय मास्क का या किसी से बात करते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। मैं भी आपसे यूट्यूब पर आज बात कर रहा हूं तो मास्क लगाकर ही आपसे मैंने बात की है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए
प्रत्येक कथन को पढ़कर समझकर सत्य असत्य निकालना है, सत्य असत्य ट्रू फॉल्स हमें निकालना है। पहला, अल्कोहल दारू शराब पीने से कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होता है, सत्य असत्य बताना है। दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। स, वर्तमान में इस कोरोना वायरस का कोई टीका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। द, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वर्तमान में 6 माह की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं साथ में हो सकती है। ई, नकदी लेन देन के बजाय डिजिटल लेन देन संक्रमण रोकने में सहायक होता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको सत्य असत्य में देना है। इसके बाद मैंने आपको आंसर शीट उपलब्ध कराई है, उस आंसर शीट से आप इस वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद अपने जवाब दें और जवाब से आंसर शीट को मैच कर लें कि हमने किस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को संग्रहित किया है और आप कितने प्रश्नों को सही कर सके हैं। साथ ही ध्यान दें, संक्रमण से बचाव ही मुख्य रूप से हम कर सकते हैं और बचाव के द्वारा ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इसका कोई रोग अभी तक उपलब्ध नहीं है। ध्यान रहे, सर्दी खांसी गले में खराश सीने में अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आती है और ये इस तरह से यदि कोई परेशानी आती है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई उचित परामर्श लें और उचित परामर्श के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। ओके।